मुबारक हो चंदा का ये प्यार तुमको, मुबारक हो ये प्यार तुमको, जन्मदिन मुबारक हो अफसर खान तुमको। दोस्तों नेता अभिनेता माजी विरोधी पक्ष नेता उस्मान भाई, बॉम्बे से मेरे भाई जोड़ना तय हो जाए, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये बेस्ट फ्रेंड है। नमस्ते, मेरा नाम क्रिस्टीना है और आज मैं अफसर खान को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ। बिग बॉस, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और कई फिल्मों में जिन्होंने अभिनय किया है, ऐसी बेहतरीन सी एक्ट्रेस अभिनेत्री क्रिस्टीना जी भी यहाँ पर बता चुकी है। मैं जो है तालियों में तकलीफ सीखी है, उनका जोरदार तालियों में क्या करना चाहते हैं। और फिर से एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि और भी कई हमारे खुसूसी मेहमान कि आप भी मंच की ओर तशरीफ लाएं। ठीक है सर। अफसर खान साहब की गुलपोशी कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। काशी भाई भी है, आपका भी इस्तेमाल है काशी भाई। मैं जमा की मोनू धोरण के हम सब के लाल अफसर खान मित्रमंडल के मोनू साहब, अशरफ भाई, बड़े भाई अशरफ खान साहब, उन्हें भी मैं मंच पर दावत देना चाहूंगा। साथ में बर्थडे गर्ल स्वीट स्वीट अश्लीला भी है। हमारे सलाम भाई भाई भी मैं
आपका मैं असद खान मित्र मंडल की ओर से, असद खान साहब की ओर से, हमारे सभी यूट्यूब चैनल के, हमारे न्यूज चैनल वाले सभी यहाँ पर आप हाजिर है। शुरू से मेरे पास मैं सबके नाम को नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कि मशहूर ऐसे यूट्यूब चैनल के साथी अपने पैदल से सवाल करता हूँ क्योंकि आपने ये कवरेज दिया यूट्यूब के लिए हमारे शहर के यहाँ पर जोरदार ताली के साथ यहाँ पर हमारे खुर्शीद अफसर खान मित्र मंडल और अफसर खान मित्र मंडल हजारों की तादाद में मैं जानता हूँ। शहर औरंगाबाद के तमाम दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों और अफसर खान जी के फैंस और खास तौर पर मैं आप सभी की ओर से औरंगाबाद की ओर से हमारे सरदनी मुंबई से आए सीरियल आर्टिस्ट कृष्णा जिनका इस्तकबाल करता हूँ और शहजाद खान साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ, साथ ही साथ उस्मान भाई साहब बड़े डायरेक्टर साहब, अंजू जी आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, पूनम जी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का क्योंकि ये औरंगाबाद की सीरियल है समझिए तो ये सब फैंस है और जहाँ पर हमारे खास गेस्ट आते हैं तो इनके दिल में जितना खुशी का शुमार है यहाँ पर असद खान साहब अफसर खान मित्र मंडल के ही है मैं जानता हूँ कई वर्षों से। ये जन्मदिन हर साल मनाया जा रहा है लगभग 25 सालों से अफसर खान मित्र मंडल की ओर से। मैं प्यार से इनको आदर कहता हूँ, साजिद जिनका नाम है और मुझे भाई जो हाँ जी मुझे साहब मनोज होटल के प्रोप्राइटर इनकी ओर से आप सभी का इस्तकबाल। भाषा मिलिता इनका भी बहुत बड़ा कॉपरेशन हमें मिला है, हर साल मिलता है, उनका भी इस्तकबाल है और साथ ही साथ रशीद मामू साहब माजी महापौर जुनत सिद्दीकी और रशीद मामू आपसे गुजारिश है कि रास्ता निकाल करके हम तक पहुंची आप अफसर खान साहब आपको याद कर रहे हैं। अशोक भाई आपका उपाध्यक्ष हमारे राष्ट्रवादी शहर के अशोक भाई और प्रांतोष वाकरे या लवकर कुठे तुम्ही वाकरे से या लवकर अफसर खान तुम्हाला आठवण करता है आइए खोल के देखें भाई जिनके नामा में गए जिनका नाम मैंने यहाँ से अनाउंस किया है और हमारे राज फोटोग्राफर यानी कि शेख राजू आप सामने है क्या नहीं है, है? है? ओके अच्छा आप आ चुके हैं शेख मामू साहब आपके और साथ ही साथ हमारी अश्मिरा और एक बैनर बढ़ गई है 30 तारीख की अश्मिरा खान अशोक खान की
लाडली और अफसर खान साहब की पुत्री उस्मान भाई, बॉम्बे से भाई जोरदार ताली हो जाए, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड खास मुंबई से उस्मान भाई साहब। क्या बात है तुमसे, ये भी 20 साल का सिलसिला है। पाशा भाई किधर है? पाशा भाई, पाशा भाई मुबारक आपको भी। और रशीद मोहन साहब शायद घर चले गए या कहाँ है? ये रखो कहीं पानी की बोतल ले गया, पानी की बोतल ले बधाई देती हूँ, उसके बाद औरंगाबाद अपडेट को बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम क्रिस्टीना है और आज मैं अफसर खान को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ। बिग बॉस गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और सॉरी मैं भूल गई, औरंगाबाद अपडेट्स को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू अफसर खान साहब के बॉस को कुछ कहना चाहिए। प्लीज वेलकम शहजाद खान साहब। अफसर भाई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आज मैं एक आपको बताता हूँ डटी बॉस कैसे बना। बॉस के वजह से आज मैं डटी बॉस बॉस कैसे बना एक बता रहा हूँ। मैं एक्टर हूँ नहीं, जब मैं जब आया था फिल्म लाइन में आया था। मैं अभी आया करीब, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 84 में आया था मैं अभी। तो मैं स्ट्रगल करते करते अक्षय कुमार काफ़ी लोगों के साथ मैंने काम किया। एक फिल्म मिली मुझे डटी बॉस, काफ़ी फेमस हुई है, जसलीन मसारू उसमें हीरोइन है। मैं बिग बॉस में भी थी वो। तो मुझे डायरेक्टर ने बोला कि भाई आप को जो है ना मेन विलन कर रहे हो। तो मैं बोला यार मैं किस एंगल से मेन विलन लग रहा हूँ? मैं अपने आप कुछ आईने में देखा तो मैं विलन लग रहा हूँ? तो लोग बोले कि भाई आपको विलन नहीं लग रहा। और मुझे हाईलाइट ये है कि मुझे डायलॉग बोलने नहीं आता था। तो मैं अफसर भाई को बोला, अफसर भाई मेरे को डायलॉग नहीं बोलने आता है। तो अफसर भाई ने आज मेरी मदद की और अजहर साहब ने मुझे पूरा कोऑर्डिनेट किया डायलॉग बोलने में, डायलॉग सिखाने में, सारा चीज़ करने में। इसलिए आज मैं एक्टर हूँ और इसकी सारी क्रेडिट दी जा रहा है हमारे बॉस को जा रहा है कि मैं आज दो चार बड़ी बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ मैं। और वो सारी क्रेडिट आज बम्बई में जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बम्बई में जितने बड़े बड़े मेरे कॉन्टेक्ट मेरे डायरेक्टर लोगों से हुई है, वो अफसर भाई को क्रेडिट जाता है। थैंक यू अफसर भाई। और अल्लाह से मैं गुजारिश करूँगा, अल्लाह से दुआएँ करूँगा, हमेशा ऐसा ही जो है मौका बार बार आए ताकि मैं औरंगाबाद में आऊँ। और मैं औरंगाबाद का बड़ा आभारी हूँ कि मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद खान साहब। इसके बाद मैं चाहूँगा कि काफ़ी देर से आप जो है जिस घड़ी का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, नागिन टीवी सीरियल की मशहूर एक्ट्रेस अभिनेत्री, जी हाँ दोस्तों, कृष्णा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर कृष्णा जी हमारे बॉस, हमारे शहर की आन बान शान बॉस को जो है आप आपके जो है सुरीली आवाज से जो है उन्हें पेश करें, जोरदार ताली कृष्णा जी। कम अल्फाजों में जिन्होंने जो है बॉस को पेश किया, जोरदार तालियां। अब इसके बाद जो है बॉस को जो है अफसर खान साहब को मार्गदर्शन करने वाले पॉलिटिक्स में और साथ ही हर वक्त बॉस के साथ रहने वाले, हम सब के साथ रहने वाले सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन या दोस्तों माजी महापौर रिस्पेक्टेड रशीद खान मामू साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि दौर पास करें। आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए आप लोगों का स्टेज से काम हो रहा था, आए हुए अफसर खान को चाहने वाले लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी तैदाद में आए अफसर खान के लिए। अफसर खान के लिए एक ही कहूँगा मैं, मोहब्बत जो उन्होंने कमाए हैं
तो उसमें खास बात है कि खुले दिल का आदमी है, मैं जमाने से जानता हूँ, बच्चा मुझे बड़ी इज्जत भी करते हैं, बड़े खुले दिल का आदमी है, दोस्ती करता है तो जान से करता है, अगर आपने दुश्मनी करे तो वो भी जान से करता है। उसकी मोहब्बत खूब जो रही और उसको सर के ऊपर उसके वालदा का प्यार मोहब्बत जो रहा उसकी वजह है, और आज यही वजह है कि अफसर खान को उनके बच्चे भी उनका जी लाल करते हैं। पहले अफसर खान को आप देखिए, उनकी उम्र नहीं बता पाएंगे आप, ये कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र का पता ही नहीं चलता है, उसमें से आप एक हैं। एक तो माँ की दुआएं और औलाद अच्छी, मैं तो कहता हूँ जिसकी औलाद अच्छी वो करोड़पति है, पैसों की वैल्यू नहीं औलाद की वैल्यू होती है, और जो सब तमाम लोगों की तरफ से मोहब्बत और पॉलिटिक्स में भी वो है तो सही आती है, और हमेशा हर एक लोगों की बंद की मदद करते हैं। कभी भी आप ये औरंगाबाद में बता देना किसी ने कि अफसर खान ने किसी से 100 रुपये दिए, ये मालूम होंगे कि 1000 रुपये दिए, गरीब बच्चों की शादी हो कुछ हो। और आज उनकी सालगिरह की मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, माँ भाइयों पे बहनों पे दे रहे, और वैसे भाइयों को भी मोहब्बत करते हैं, पूरे खानदान को साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है, और आज जो उन्होंने कमाए हैं, मैं अफसर खान के बेटे को, भाइयों को और उनके घर के जो लेडीज हैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ कि भाई अफसर खान के सालगिरह में आप शामिल हुए, और आप तमाम हजरात का शहर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इसमें शामिल हुए। और अफसर खान की एक आदत है, उनका एक कहना है, दूर का सफर से चलिए, दूर का सफर साथ चलिए, हाथ मिले ना मिले अरे दिल मिलाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद खान माकू साहब, और इसके बाद यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम खुसूसी मेहमानों से गुजारिश है कि प्रोग्राम आगे जारी रखते हुए आप अपनी सीट पर विराजमान हो जाए, अपनी सीट पर बैठ कर आज की ये लकिस्तान म्यूजिकल नाइट के इस प्रोग्राम का यहाँ पर लुत्फ लें। जिनके पूरे हिंदुस्तान में कई एल्बम धूम मचा रहे हैं, जोरदार तालियां दोस्तों, जो कि भीम गीत, धुंध गीत और साथ ही कई मराठी एल्बम की मशहूर गायिका प्यार से पेश आते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हम सबको दुआएं देते हैं, वो हमारे महानगर पालिका माजी विरोधी पक्ष नेता और माजी नगर सेवक अफसर भाई, इनके आज जन्मदिन पर ये सब रंग चढ़ा है, तो जरा अफसर भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां प्यार चाहूंगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं भाई को 2 मिनट के लिए स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ, अभी बस 2 मिनट के लिए, फिर मुझे गाना गाना है, मैं बस उनके खातिर यहाँ पर आई हूँ। मशहूर एक्ट्रेस फिल्म एक्ट्रेस कृष्णा जी भी स्टेज पर आ चुकी है, जोरदार तालियां दोस्तों अफसर खान साहब और एक्ट्रेस कृष्णा जी के लिए, वेलकम। मैंने एक मिनट भाई साहब को यहाँ पर बुलाया है उनके जन्मदिन पर, मैं बस 2 लाइन से, एक मेरे दिल से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने जा रही हूँ। कैसे क्या खुशबू ना छुपाओ छुप नहीं सकती, क्या खुशबू ना छुपाओ छुप नहीं सकती, सच्ची मोहब्बत दबाने से दब नहीं सकती, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी, अफसर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर खान साहब को यहाँ पर विश करने के लिए, बधाई देने के लिए बता रहे हैं। मैं फिर से एक बार यहाँ पर खासतौर पर, जी हाँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन से एक्टर
क्योंकि डर्टी बॉस फिल्म के एक्टर यहाँ पर जनाब शहजाद खान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। आपका मैं हर मतलब करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, जी हाँ, क्योंकि नागिन टीवी सीरियल पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी मशहूर हुआ, उसके बाद कई और टीवी सीरियल और साथ ही बहुत ही जल्द कई और नई फिल्मों में अभिनय करने वाली बेहतरीन सी एक्ट्रेस, जी हाँ दोस्तों, कृष्णा जी भी आज के समय में हाजिर है। आपका भी स्वागत है, इस्तेमाल है। और साथ ही यहाँ पर बिजनेस टाइकॉन, जी हाँ, जो कि खासतौर पर अफसर खान साहब को विश करने के लिए, बधाई देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, उस्मान भाई, आपका भी यहाँ पर आज के महफिल में खैर मकदम है। साथ ही मुंबई शहर से यहाँ पर पधारी भी एक और हमारी मेहमान, जी हाँ, रिस्पेक्टेड अंजू जी, आपका भी यहाँ पर आज के महफिल में खैर मकदम है। और साथ ही दोस्तों अफसर खान साहब के मार्गदर्शक हम कह सकते हैं, माजी महापौर हम सब के लाडले, जी हाँ दोस्तों, एक मशहूर पॉलिटिशियन, सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, जी हाँ दोस्तों, रशीद खान नामू साहब, जो कि आज के इस महफिल में हाजिर है। और तमाम, मैं चाहूँगा कि हमारे अफसर खान नेत्रमंडल के तमाम आजी माजी अध्यक्ष और साथ ही सभी दोस्तों का मैं इस्तेमाल करते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा। अफसर खान मुझे डाल।
Yeah.
अशरफ खान साहब की लाडली अश्मिरा खान का भी यहां पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जोरदार तालियां और इन सभी को बोथ ऑफ यू विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो लियो हजार साल साल के दिन हो 50,000 और साथ ही आइए इस महफिल को रोशन करते हैं फिर से एक बार गीत संगीत जोरदार तालियां। बिग बॉस फार्म हाउस के प्रोप्राइटर और साथ ही फार्म हाउस की दुनिया को जो है यहाँ पर औरंगाबाद शहर में बताने वाले जोरदार ताले दुनिया पीटर साहब के लिए थैंक यू सो मच। और आज मैं जो कुछ भी है मेरे बड़े ब्रदर अफसर खान की ओर थैंक यू बॉस। और आज जो भी कुछ है बॉस की वजह से है क्या कहना दोस्तों बहुत बहुत सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द मंच की ओर तशरीफ लाए साथ ही मशहूर एक्ट्रेस रिहा नागिन की विश्रीय फिल्म और बेहतरीन सी फिल्मों में कई फिल्मों का अभिनय किया है ऐसे मशहूर फिल्म एक्ट्रेस क्रिस्टीना डीन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मंच की ओर तशरीफ लाए। जोरदार तालियां जाए दोस्तों जोरदार तालियां। बिजनेस टाइकॉन मुंबई शहर से जनाब उस्मान साहब से भी गुजारिश है कि आप भी मंच की ओर तशरीफ लाए और साथ ही मशहूर फिल्म एक्टर रिया दोस्तों प्रतिभा फिल्म के एक्टर फैजान खान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही मंच की ओर तशरीफ लाए। शहजाद खान साहब अपनी वेलकम शहजाद खान साहब आप ही मंच की ओर तशरीफ लाए। साथ ही सम्मानित नगर सेवक कृष्णा जी बनकर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा। साथ ही माजी नगर सेवक हम सबके लांडे मती खान साहब आप ही मंच की ओर तशरीफ लाए। जल्द से जल्द
जो जो नाम यहाँ पर अनाउंस किए जा रहे हैं वो मंच की ओर तशरीफ लाए और साथ ही यहाँ पर असर खान मित्र मंडल की ओर से सबसे पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पर अशरफ खान साहब जो है बुके देकर दिलपोशी कर रहे हैं माजी महापौर सीएमओ पॉलिटिशियन हम सबके लाल रशीद खान मामू साहब की और साथ ही यहाँ पर मशहूर एक्ट्रेस जी हाँ दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टिना जी का भी सम्मान सत्कार हो रहा है हमारे बुद्ध भाई कर रहे हैं साथ ही सैयद मतीन साहब यहाँ पर अफसर खान साहब की गुलकोशी करेंगे और मशहूर जी हाँ दोस्तों गतिमान फिल्म के एक्टर शहजाद खान साहब की भी यहाँ पर गुलकोशी हो रही है अफसर खान ने तो की ओर से साथ ही नाम साफ कर रहे हैं और साथ ही बिजनेस टाइकॉन उस्मान खान साहब आपका भी सम्मान सत्कार किया जा रहा है मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे अफसर खान मित्र मंडल की ओर से बिजनेस टाइकॉन मुंबई शहर से उस्मान खान साहब और साथ ही हम सबके नाम लोग माजी नगर सेवक मतीन खान साहब का भी यहाँ पर सम्मान सत्कार होने जा रहा है सैयद मतीन खान साहब आपका भी यहाँ पर अफसर खान मित्र मंडल की ओर से गुलकोशी की जा रही है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के धन्यवाद और मैं अल्फाजों से यहाँ पर हमारे जितने भी मेहमान हैं आप सभी का अफसर खान मित्र मंडल तहदिल से यहाँ पर इस्तकबाल करता है स्वागत करता है मैं अफसर खान साहब की ओर से अफसर खान मित्र मंडल की ओर से मंच पर और साथ ही सामने मौजूद हमारी आवाम का भी इस्तकबाल करता हूँ संजय दुबे सर भी यहाँ पर सम्मान सत्कार कर रहे हैं संजय दुबे सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आइए मैं सभी हमारे विश्व के मेहमानों से गुजारिश करूँगा एक डबल सेशन और उसके बाद शुक्रिया आइए दोस्तों ये छोटा सा सम्मान सत्कार आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं बॉस फिल्म के एक्टर शहजाद खान भी यहाँ पर आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं वालेकुम अब सर्वे के लिए चंद अशआर में पेश करूंगा खास तौर पे फर्क रफ्तार पैदा कर तू जलाल व आतिश पैदा कर बड़े भाई तो इंकलाब की आमद का इंतजार न कर जो हो सके हम खुद इंकलाब पैदा करेंगे इंशाल्लाह और आखिरी बात ये बोलूंगा मैं कि अगर सभागृह में उस दिन अगर अफसर खान होते तो सैयद मत अगर अफसर खान नहीं होते सैयद मतीन मारने का था क्या बात है वाह भाई डॉक्टर अंकित्र सर यहाँ पर अफसर खान साहब की गुलपोशी करने उन्हें बधाई दे रहे हैं मुबारकबाद दे रहे हैं साल की राती बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंकित्र सर और साथ ही यहाँ पर लगातार मुबारकबाद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है एडवोकेट वाई जोर साहब भी यहाँ पर हाजिर हैं आपका भी तहे दिल से यहाँ पर सम्मान सत्कार जो कि अफसर खान साहब का कर रहे हैं मैं शुक्रिया अदा चाहूँगा आपका शहजाद खान साहब भी यहाँ पर मंच पर जो कि हम सब के बॉस बड़े बॉय अफसर खान साहब की गुलपोशी कर रहे हैं मशहूर एक्टर शहजाद खान साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा चाहूँगा और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हजारों की तादाद में आवाम स्टेज पर आना चाहती है लेकिन प्रोग्राम भी है कल भी आप जो है हम सब के लाले बहू संजीव खान साहब के मौला संजीव खान साहब की याद में यहाँ पर उनका सम्मान सत्कार कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया अनेक अनेक धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि स्टेज के यहाँ पर Thank you.
तहे दिल से, दिलों की गहराइयों से हम सबके लाडले कई फिल्मों को डायरेक्शन देने वाले जी हाँ हमारे शहर के महेश भट्ट यानी बाबू भट्ट साहब यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है। महेश भट्ट के भाई है और यहाँ पर उपस्थित है। आलिया भट्ट के चाचा है हमारे बाबू भट्ट साहब। सर खान साहब को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी पहली पिक्चर थी, मेरी लाइफ की पहली फिल्म खान साहब की फिल्म थी दंगल, जो मैंने डायरेक्ट की थी। और आज मैं जो भी देख रहा हूँ कि वही दंगल का नज़ारा मेरे सामने दिख रहा है और सारी खुशियाँ दिख रही हैं। भगवान करे हमेशा ऐसी खुशियाँ रहे, खान साहब हमेशा जवान रहे और हंसते रहे, यही मेरी दुआ है। और दंगल पार्ट टू की शुरुआत जल्दी करें, यही कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भट्ट जी। और यहाँ पर बाबू भट्ट साहब जो कि यहाँ पर जी हाँ लतीफ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर हमारे शहर की आन बान शान जनाब लतीफ साहब स्टोरी राइटर और साथ ही हास्य अभिनेता मंच पर पधार चुके हैं। अफसर खान मित्र मंडल की ओर से मैं चाहूँगा कि अशरफ खान साहब जल्द से जल्द मंच की ओर तशरीफ लाए। आपकी शुरुआतों से लतीफ साहब का यहाँ पर सलमान सत्कार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर आ चुके एक मिनट अशरफ खान साहब भी यहाँ पर, जो कि हास्य अभिनेता कॉमेडियन मशहूर कॉमेडियन सीनियर मोस्ट एक्टर लतीफ साहब का यहाँ पर सम्मान सत्कार अफसर खान मित्रमंडल की ओर से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आने का धन्यवाद। तो आइए चल पड़ते हैं। आइए फटाफट बनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा शाहरुख खान साहब की सुपर बड़ी फिल्म दिल से, इस फिल्म से एक बेहतरीन सा ड्यूएट सॉन्ग फिर से एक बार आज की इस महफिल का जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज से आगाज किया था लंबी जुलाई। मैं इनवाइट करना चाहूंगा मशहूर मारूफ हमारे मारूफ से हमारे शहर की वो गायिका जिन्होंने thank you.
आइए बड़ी देर से अफसर खान के बनाने की पूरी पकड़ाई और हमारे एफके
आइए 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 क्या पहले आप आइए हमारे पास आइए इसके आओ, मेरा नाम अफसर खान, मैं रोज़ खाता हूँ 10-10 नान। मेरे साथ आई बॉम्बे से क्रिस्टिना, जो टीवी सीरियल के आर्टिस्ट है, और मैं अपनी जानिब से, अपनी फैमिली के जानिब से, शहर औरंगाबाद की जानिब से, क्रिस्टिना की जानिब से औरंगाबाद अपडेट को मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगाबाद में आया हूँ। आज अफसर भाई का बर्थडे है और औरंगाबाद से मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। यहाँ के लोग बहुत मुझे दिल से प्यार करते हैं, दिल से। और मेरी आने वाली फिल्म है अतृप्त, इसको देखिए। सब बखैर।